जहां 11,000 केसेस हमारे 1 नवंबर को नोट हुए थे, अब वह संख्या घटकर 9,765 के करीब रह गई है। इस सिचुएशन में अगर हम इसको फर्दर डेटा को एनालाइज करें, तो जैसे इससे पहले भी नोट किया गया है कि इतने बड़े देश में केस की ट्रेजेक्ट्री का जो स्वरूप है वह डिफरेंट डिफरेंट प्रांतों में डिफरेंट तरीके से पाया गया है। तो उस समय में देखें, तो अगर हम देखें स्टेट में जो एक्टिव केसेस आज हैं, तो 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस वाली हमारे देश में 2 स्टेट हैं, वह केरला और महाराष्ट्र हैं, जिसमें 44,000 केसेस एक्टिव केसेस की श्रृंखला में हमारे केरला में है और महाराष्ट्र से 11,000 केसेस हैं। यानी कि यह 2 स्टेट ही हम एनालाइज करें तो पाते हैं करीब 55% केसेस जो देश के एक्टिव केसेस है वह इन 2 स्टेट से आते हैं। उसके साथ ही 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से अधिक और 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं, और जिसमें भी मुख्यतः तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में अधिक संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर हम देश की केस पॉजिटिविटी, जो कि एक पीक के समय में 20% के करीब नोट की गई थी, वह धीरे धीरे घटते हुए अब पिछले 2 माह से 2% से भी कम है, और अगर हम इस हफ्ते का देखें तो वह 0.9% के करीब है। लेकिन जैसे इससे पहले भी हमने आपसे कहा है कि जहां एक स्थाई पर देश में 0.9% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी है, फिर भी इन्फेक्शन के स्प्रेड को देखते हुए उसको समझने के लिए उसको अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ स्टेट्स हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न बने हुए हैं, और जिसके लिए हम उन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बात करते रहते हैं, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें कि 18 जिले आज भी देश में ऐसे हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला के 9 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, लद्दाख, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से 1-1 जिले हैं जहां पर कि 5 से 10% के बीच में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। इससे भी अधिक संख्या में अगर हम देखें, ऐसे भी कुछ जिले हैं, 15 जिले देश में, जहां पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड 10% से भी ज़्यादा है, और जिसमें मुख्यतः मिजोरम जहां के करीब 9 जिले हैं, केरला 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश, यह ऐसी 3 स्टेट हैं जहां पर कि अभी भी 10% से अधिक कुछ जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी को नोट किया है। हम इन स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं, हमारा एफर्ट है कि हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं और इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें, ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कंट्रोल को वहीं पर रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपको अवगत करना चाहेंगे, देश ने कोविड के वैक्सीनेशन कवरेज में नए आयाम स्थापित किए हैं। आप सबको अवगत है कि हमने कुछ ही समय पहले 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन देश में किया था, और अब वह संख्या बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 125 करोड़ से अधिक देश में अभी तक हम डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः फर्स्ट डोज में 79.16 करोड़ डोजेज कवर हुई हैं, जिसके द्वारा देश की 84.3% एडल्ट पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज कवरेज में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज के अंतर्गत 45.92 करोड़ डोजेज देते हुए हमने देश की 49% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन कवरेज के द्वारा कवर करने का आयाम स्थापित किया है। इसके लिए मुख्यतः एफर्ट्स हमारे रिसर्चर्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हमारी स्टेट्स में काम करने वाला हर वह कर्मचारी जिसने इस काम को कॉन्ट्रीब्यूट करने में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपने कंटिन्यूस एफर्ट्स के द्वारा यह पर्टिकुलर उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जहां हमने शुरू में जनवरी माह में अपनी वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया था, वह धीरे धीरे बढ़ते हुए जहां मई के माह में हम लोग अराउंड 19 लाख डोजेज प्रति रोज कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते अब हम नवंबर के माह में हमने 59.32 लाख डोजेज प्रति रोज के स्तर से हमने कार्य कर डोजेज एडमिनिस्टर देश में की हैं, और पिछले माह में ही 17.29 करोड़ डोजेज देश में एडमिनिस्टर हुई हैं। इसी के साथ ही एक और एफर्ट देश में किया गया, जब यह देखा गया कि अभी भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट डोज कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है, और साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है लेकिन जिनको सेकेंड डोज ड्यू हुई है और उनको कवर करना है, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार उनके आह्वान के चलते हुए हमने घर घर दस्तक एक टीकाकरण अभियान देश में स्टेट के साथ मिलकर शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमारा मुख्य प्रयत्न अवेयरनेस क्रिएशन, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, और साथ में इंश्योर करना कि उनको
जो फर्स्ट डोज के ड्यू हैं उनको हम एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज दें और जो सेकेंड डोज जिनको ड्यू है उनको सेकेंड डोज देते हुए, और यह कार्य भी जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं उन्होंने घर घर जाकर उसको कार्य को किया है। इसी के अंतर्गत, इसी एफर्ट्स के चलते हमने देखा है कि पिछले एक माह में देश में फर्स्ट डोज का कवरेज करीब 5.9% के करीब बढ़ा है, जिसमें कि जैसे अगर हम इंडिया में देखें जहां वह 78.1% था, वह 5.9% हमने उसको ओवरऑल देश में बढ़ते देखा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में फर्स्ट डोज कवरेज का इंक्रीज 8.7% नोट किया गया, वेस्ट बंगाल में 7.7, छत्तीसगढ़ में 7.7% नोट किया गया, तेलंगाना में 7.5% ग्रोथ इन द फर्स्ट डोज कवरेज नोट की गई है, महाराष्ट्र में 6.8 और तमिलनाडु में 6.8% फर्स्ट डोज कवरेज में वृद्धि नोट की गई है।